नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। ये नहीं कि आप रिजल्ट का वेट करें, मेंस का, आपका मेंस होना ही है, ये सोचकर अपनी तैयारी करते रहिए। और आपको मोटिवेशन चाहिए बीच बीच में तो हम आपको मोटिवेशन भी देते रहते हैं। और भी अगर आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए जिसमें आपको इंस्पिरेशन मिले या मोटिवेशन मिले या साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट मिले, तो हम हैं आपके साथ। और आपके लिए हम GS 1, 2, 3, 4 के वीडियोस लेकर आ ही रहे हैं, साथ के साथ चल रहा है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर GK। हिंदी में रहेगा ये पूरा पार्ट्स जो कि वन लाइनर GK है। आपको फटाफट कुछ रिवाइज करना है या कम टाइम है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि इन सभी वीडियोस में वन लाइनर GK डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो हिंदी में है, आपकी डिमांड रहती है हमेशा कि हिंदी में वीडियो बनाएं, तो हिंदी में हम लेकर आ रहे हैं आपके साथ। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि डिफरेंट PCS के एग्ज़ाम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो है। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। एक एक वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, और प्लस आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी डाउनलोड करने के लिए। ये क्वेश्चंस जो हम लेकर आ रहे हैं वो क्वेश्चन होंगे SSC CGL के, बैंकिंग के, MBPCS, UPPCS, UPSC, रेलवे, PCS एग्जाम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जो कि मैंने आपको बताया। तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है, कहीं भी कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था पॉलिटी का हम वन लाइनर देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी यूनियन पावर कमेटी। जो यूनियन पावर कमेटी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्योंकि पहले हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो संघ शक्ति उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि संघ शक्ति समिति के भी पहले वो अध्यक्ष रहे हैं भारतीय संविधान सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो 1935 के अधिनियम द्वारा, जो भारतीय अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं 1935 का, उसमें पहली बार संघीय प्रणाली का की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि तय किए गए थे। तो देशी रियासतों के लिए संविधान सभा में 70 पद प्रतिनिधि तय किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन बनाया गया था, उसके आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। फिर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार का क्वेश्चन आया भी हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो BN राव इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोग 29 नवंबर डेट डाल देते हैं, पर नहीं, जब साइन हुआ था तो वो डेट थी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, 26 नवंबर डाल देते हैं, क्योंकि वो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें 26 नवंबर डेट है कि हम इस दिन स्वीकार करते हैं, पर जो साइन एक्चुअल हुए थे वो हुए थे 24 जनवरी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो अनुच्छेद 11 के अनुसरण में अधिनियम, जो नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।
निर्बंधन युक्तियुक्त हैं कि नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है न्यायालय। और ये जो निर्णय किया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का एक सदस्य था? सरकारी आयोग का एक सदस्य था डॉक्टर एस आर सेन। और ये सरकारी आयोग आप सभी जानते हैं कि राज्य और केंद्र से संबंधित ये एक्ट सॉरी ये आयोग था। सरकारी सेवा में आरक्षण प्रदान करने के मानदंड को नियत करने के लिए 1955 में किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये करने के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन यानी कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल पंचायत्स वगैरह होती हैं, उनका जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि वायसराय हुआ करते थे उस वक्त। उन्होंने इस पर स्थानीय स्वशासन पर बड़ा काम किया था। नेक्स्ट है, न्यायिक निर्णय द्वारा किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को अंतर्निहित माना गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1)(क) में, जहां पर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं 19 अनुच्छेद में, तो 19(1)(क) में प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। किस व्यक्ति के दो बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया था? किस व्यक्ति ने दो बार जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुए थे वो हैं गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उस दौरान करता है उपसभापति जो है वो उस दौरान कार्य करता है। और अगर उपसभापति भी नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी वो कार्य कर सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी से पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है इंडियन पॉलिटी को, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो वो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। किस वर्ष में राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था? तो राज्यसभा का गठन पहली बार हुआ था 1952 में। ये क्वेश्चन आया है UPPCS 2017 में। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून के संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन। तो दल बदल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 52वां संविधान संशोधन हमेशा याद रखिए। फिर है, पंचायत चुनाव कब होगा और किस प्रकार होगा, यह निर्णय कौन लेता है? तो यह निर्णय होता है राज्य सरकार का कि पंचायत का चुनाव कब होगा और किस तरह से वे आउट उसका निकालना भी राज्य सरकार का काम है। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति है? तो राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाएं वो बना सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दो सदस्यों को मनोनीत जिस एक्ट के तहत है वो है 331 अनुच्छेद। नेक्स्ट, किस अवस्था में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्षों से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कौन सी ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, तो आपातकाल की स्थिति में, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में उसको 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और उसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। भारत में कोई व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका में है कुछ प्रतिबंध, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो ये है 65 वर्ष। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ये बहुत बड़ा संशोधन माना जाता है और ये स्वर्ण सिंह समिति के
जो अनुमोदन थे, उनके जो रिकमेंडेशंस थे, उनके आधार पर ये बना था, ये अधिनियम आया था, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसलिए ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र संघ शासित क्षेत्र कौन सा है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली है, दिल्ली का खुद का हाईकोर्ट है, आप जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशाषी प्रधान कौन होता है? तो राज्य का अधिशाषी प्रधान होता है राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो है 360 अनुच्छेद के अंतर्गत। फिर है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, यानी कि मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य विधानसभा के भाग ले सकते हैं। फिर है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ये बहुत आप न्यूज़ में सुनते हैं कि 370 रिलेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे से, तो ये याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इससे जुड़ें, और हम आपके लिए नए नए वीडियोस ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए अब हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों से भी करवाइए। आपसे यही गुजारिश के साथ धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।